सरायकेला जिला क्षेत्र के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत ईटागढ़ गांव में खरकाई नदी पर हाल के वर्षों में बहुप्रतीक्षित पुल बनाया गया, लेकिन पुल के दोनों छोर पर सड़क का निर्माण अभी तक नहीं होने के कारण पुल की उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध नहीं हो रही है। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर आसंगी गाँव है जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटा हुआ है। पुल के दूसरे छोर पर ईटागढ़ गांव है जहां 100-200 मीटर सड़क पक्कीकरण का काम लंबित है। इसके कारण खासकर बारिश के मौसम में लोगों को आना जाना बंद हो जाता है। आपको बता दें कि गम्हरिया प्रखंड का कुछ हिस्सा और राजनगर प्रखंड का कुछ हिस्सा पुल के उस पार पड़ता है। उधर के हजारों लोग शहर रोजाना आते हैं रोजी रोटी के जुगाड़ में और फिर लौट जाते हैं। गर्मी और जाड़े के मौसम में तो लोग किसी तरह इस रास्ते गुजरती ही हैं, लेकिन बारिश के समय उन्हें या तो गांजिया बराज या फिर जुगसलाई होते हुए आना जाना करना पड़ता है। लोगों से हमने इस बाबत पे बात की है। इस वक्त हम सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड के बासुड़दा गांव में हैं और ये पंचायत ईटागढ़ है। यहाँ भी हम जानेंगे कि किसानों ने अब तक क्या कर ली है खेतीबाड़ी। तो बासुड़दा गांव में अभी हम एक किसान से बात करेंगे और जानेंगे कि इस वर्ष क्या कुछ दिख रहा है खेतीबाड़ी में, क्या हो सकता है बचे हुए जो समय हैं उसमें। और ये किसान हैं संतोष महतो। जो राम संतोष महतो, अभी क्या लग रहा है अभी खेतीबाड़ी आपका इधर गांव आसपास में? तो आप देख ही रहे हैं, अब खेतीबाड़ी तो कर ही रहे हैं। अब खेतीबाड़ी के साथ साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून का जुआ कहते हैं खेतीबाड़ी को हमारे देश में, क्योंकि आधा समय खेती होती है, आधा समय लोग बेकार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो आप खेती के सिवा और क्या क्या करते हैं? बस खेती पर निर्भर करता है, बाकी समय कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी यहाँ तो धान छोड़ के तो और कोई किसी आबाद तो होती नहीं है, इसीलिए खेती भी इस साल कहाँ, अब तक बारिश नहीं है। अब तो कम से कम तो 40% तो अभी तक काम हो जाना चाहिए था, पर एकदम 0% थोड़ा भी बारिश नहीं, जबकि इसमें काम एकदम बिल्कुल बंद है। अब चारा भी दिया, वो चारा भी नहीं बढ़ रहा, चारा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। और उसमें भी बारिश अगर होगा, बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का कोई ये नहीं जो शीत जैसा गिर रहा है। मैं आपका दादा, हाँ ये कौन सा गांव है आपका? असंगी, ये सामने वाला गांव। अच्छा, आप खेती बाड़ी करते हैं? क्या होगा इस बार खेती, बारिश नहीं हो रही है, खेती बाड़ी रुकी है ना? क्या करें? है क्या करें? कितनी खेती है आपकी? थोड़ा बहुत है। फिर भी कितना बीघा जमीन है? हाँ इधर देखिए, और अभी बकरी चरा रहे हैं। अच्छा, और बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चे दो गो है लड़का। अच्छा, वो क्या करते हैं? इंडस्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, शादी करा दी लोगों की? अच्छा, मैंने दोनों बेटों की शादी हो गई है, तो आप ये बकरी चरा रहे हैं। चलिए बकरी, अच्छा बोलिए, बकरी तो बहुत अच्छा पेशा है, क्योंकि कभी भी पैसा चाहिए तो एक तरह का ATM बोलते हैं लोग किसानों का, है ना? जब चाहिए आप बीज भेज दीजिए, पैसा हो जाएगा। तो इस साल भर में ये जो बकरियां पालते हैं आप, लगभग कितना कमा लेते हैं? ये साल भर की नहीं है, ये तो आपका एक एक आपको 5,000-6,000। हाँ, साल भर में हमको लगता है अच्छा खासा आमदनी कर लेते हैं, है ना? अभी पिछले कुछ सालों से जो खेतीबाड़ी है ना, वो घाटे का सौदा साबित हो रही है। जी सर, लोग खरीदना पड़ता है, बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, और जब बारिश ढंग से होती नहीं है, समय पर होती नहीं है, तो जाहिर है कि खेती नहीं होगी। तो इस साल अभी सोचिए, जुलाई महीना लगभग अभी तीसरा सप्ताह भी चल रहा है, और बचा सो समय 1-1.5 महीने का समय है जी। इसी के अंदर आपको रोपाई करनी है, धान के पौधे बढ़ेंगे, उसमें बाली आएंगे। तो अभी आसपास ये जो देख रहे हैं आप, क्या लगेगा, क्या होगा, मतलब लोगों का, किसानों का, खास करके जो किसानी कर रहे हैं आप जैसे लोगों का? अब वो देखिए, ऊपर वाला नाराज हो गया होगा सर, हर साल तो आज कई साल से इसी तरह हो रहा है कि बारिश ठीक टाइम पर एकदम नहीं हो रहा है, ताकि एक साथ में दे देगा कोई सावन, अभी सोच लीजिए सावन का कुछ दिन पार हो गया, अब तक बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। पहले जो बारिश होता था, आज तक पूरा काम स्टार्ट रहता, तालाब नदी भर जाते थे ना सर, आज साल तो पूरा फाका है। बाड़ी की जमीन धीरे धीरे घट रही है ना दादा, ये बिल्डर लोग ले रहे हैं, घर बना रहे हैं।
आप भी दिए हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग भी दिया। अच्छा, उसे कुछ पैसा मिला? हाँ। अच्छा, वो पैसे से क्या काम किए? घर बनाए? हाँ, घर बनाया। अच्छा, बारिश इतना कम होने की वजह आपका जो समय था, मान लीजिए बचपन में आप लोग जब 12-15 साल के हुआ करते थे तो बारिश तो बहुत ज्यादा होती थी। जी हाँ, उस समय तो बारिश बहुत ज्यादा होता था क्योंकि बाढ़ भी आ जाता था। नदी में जैसे आप लोग जाते थे नहाने के लिए या पार होने के लिए, खास करके जो ईटागढ़ जो अभी फिलहाल पुल बना है, वहाँ तो पहले पुल था नहीं। जी नहीं, उस समय तो आप लोग नाव से पार होते थे, नहाने भी जाते, मछली पकड़ने भी जाते थे। जी जी, तो उस समय तो बड़ी बाढ़ भी आती होगी। बड़ी बाढ़ आता, कई बार तो हम लोग काम से वापस रिटर्न लौट जाना पड़ा होता, जुगसले होकर रिटर्न आना पड़ता है। इस तरह मतलब बारिश होता था और उस तरह नदी में पानी आता रहा। ये जो रास्ता है ये क्या किस वजह से नहीं बन रहा? ये रहती जमीन है क्या? हाँ। अच्छा, इसी वजह से नहीं बन रहा होगा, तो सरकार तो ले सकती है ना, अधिग्रहण करके मुआवजा देगी। कहाँ ले रहा है? मुआवजा देगी, पैसा देगी। आज तक लेता तो पूरा बन जाता रहा। बन जाता। तो आपका भी जमीन है इसमें क्या? नहीं, आपका नहीं है। कहा जाता है जो भू वैज्ञानिक है, भौगोलिक वैज्ञानिक है, वो उनका कहना है कि पेड़ घट रहे हैं, पेड़ों की कटाई बड़ी तेजी से हो रही है, जंगल घट रहे हैं, इसके कारण भी बारिश कम हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो तो अक्सर हो ही रहा है। पहले जिस तरह जंगल भी था, वो जंगल भी नहीं रहा। वो जंगल भी धीरे 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 घटते 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 आधा से ज्यादा हो गया। पेड़ लोग लगा नहीं रहे? नहीं, पेड़ उग नहीं रहा। शायद तो उसी का कारण ही बारिश नहीं हो पा रहा है। फिर सुखाड़ घोषित करने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, तो उसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है क्या कर रहा है। सुखाड़ घोषित करने से चाहिए, हाँ, बीमा होता है, किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो आपकी अभी कितनी जमीन है खेतीबाड़ी जो करते हैं आप? जमीन तो देखिए, कम से नहीं भी तो अभी बंटवारा होते होते 20-21 बीघा होगा। अच्छा, तो अनाज तो काफी आता है अगर ठीक से खेती हो तो? पूरा कर नहीं पाते, नहीं, इस तरह बारिश होगा। अब ऐसे पूरा काम भी अब अगर आप कर लिए, लास्ट में बारिश मार देती है, इसीलिए उतना तो काम नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ बिना चुना ही कर लेते हैं, जिसमें कि बारिश के कम बारिश में जो अनाज होता है तो उतना तो कर लेते हैं, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही पड़ती रहता है। तो किसान देना चाहते हैं जमीन? हाँ, कहे नहीं देगा सरकार। अच्छा, को बस सरकार ये आए और जमीन अधिग्रहण करके मुआवजा दे दे, रोड बना ले, है ना? पैसा लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात है, सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण गर्मी के समय में खेती नहीं कर पाए? नहीं नहीं, गर्मी में तो एकदम कुछ नहीं होता। तो सिंचाई के कोई स्रोत, इतने नदी सामने है? ना ना, कोई ऐसा स्रोत। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से खेती करने की बात है, सरकार कहती भी है कि यह लिफ्ट सिंचाई जो परियोजना है कि खेती लिफ्ट मशीन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाना, ये सब के लिए कभी कोई कोशिश लोगों ने की है कि भाई हमारे नदी इतना सामने है फिर भी हम लोग की खेती नहीं होती गर्मी में? आप लोग ऐसा कभी इस पर बात होती है गांव में बैठ? बात तो देखिए, अभी शुरुआत भी की है। ये बगल में मेरे घर के सामने में कैमरा घुमाना सबको दिखेगा, और टंकी करीब 5 साल से बन रही है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज तक काम बंद है। हाँ, मोटर बैठेगा, पानी आएगा वहाँ से, खरकाई से ही। हाँ, अच्छा, खरकाई से पानी आएगा? खरकाई से पानी आएगा। अच्छा। पंप हाउस बनेगा यहाँ पर, पंप हाउस भी बनेगा, उसमें फिल्टर भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, लेकिन बन कहाँ रहा भाई, अभी तक तो इसे पड़ा ही हुआ है। कितने साल हो गए ये? लगभग 5 साल हो गए इसका ये होके। ओ, पानी टंकी अभी तक 5 साल से उतना ही बना? उतना ही बना हुआ, लेकिन रोड बननी चाहिए ना, सबको आसानी हो जाएगी आने जाने में। ठीक ठीक, सुविधा होगा। जो पुल है आपका ईटागढ़ का, वो भी काफी लंबे समय से लंबित पड़ा था। बहुत दिन हो गए। कितने साल हुए थे जो फिर उसके बाद बना? वो तो स्टार्ट होके लगभग 12 साल तो ऐसे ही उसका हो ही गया, गिनती करने पर। थोड़ा काम हो रहा, कहीं मिट्टी डाल रहा, उसके बाद फिर बंद हो जा रहा। हाँ। एक खटाल हो रहा, कहीं पिलर हो रहा, उसके बाद फिर बंद हो जाता रहा। वो एक साल बंद होते 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 देखिए, इस साल तो किसी हाल से पूरा हुआ, पर रास्ता का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ हाँ, तो इस मुद्दे पर क्या आप लोग करेंगे? नेता लोगों से, जनप्रतिनिधि, मुखिया है यहाँ पर, विधायक हैं, खास करके जो चंपई सोरेन खुद ही हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, और कहें तो उनका बगल में गांव है, बहुत दूर नहीं है। तो ये सब अगर वो अगर चाहता तो कब का हो जाता। इसके लिए तो बहुत कई बार धरना भी दिया गया है, बहुत बार आंदोलन भी इसके लिए उठाया गया, पर कहा कोई सुनवाई नहीं है।
खेती बाड़ी इस बार मान लीजिए कि लगभग लग रहा है कि अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो एक सरकारी योजना जो चल रहा है अनाज देने का काम किसान गरीबों को, खास करके बीपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रति यूनिट, वो यहाँ पर गांव वालों को मिलता है आप लोगों को? सर मिलने का तो मिलता है, एक आदमी 5 किलो चावल में महीना भर किस तरह चलेगा, वो कैसे चलेगा? ये तो राहत देने वाली बात है। वो वही बात है। हाँ, अरे अच्छे एक बात सुनी जाती है कहीं कहीं कि वो लोग काटते भी 1-2 किलो करके। जी हाँ, है ना जी, हर कार्ड में 1-2 किलो करके राशन काटते हैं, 2 किलो करके। इस पर कोई शिकायत नहीं करते आप लोग कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? अब सर कौन करेगा, कहाँ करेगा, ये भी बात है। यही ना बात होता है क्या, सिंचाई का बंदोबस्त करने के लिए कुछ कहिए सरकार से। अरे सर तो हो रहा है, ऊपर से खाता कलम में तो हो ही गया है, अब हो भी रहा तो कब तक होगा देखिए। ये तो आप कहीं जल मीनार के बारे में बोल ही रहे थे, पानी टंकी अभी तक 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।